ghamasan.com. मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानपिया। लोकसभा चुनाव 2019 की ड्यूटी में तैनात रही पोलिंग अफसर रीना द्विवेदी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इस तरह से करवट बदलेगी। सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरों के वायरल होने के बाद रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनी रीना के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इस दौरान ये भी खबर है कि पीली साड़ी वाली महिला की रियलिटी शो बिग बॉस का भी ऑफर मिला है, ये बात सामने आ रही है। तो देखिए क्या है पूरा सच इस पूरी रिपोर्ट में। रीना द्विवेदी ने बिग बॉस का ऑफर मिलने की खबरों पर कहा, लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप अगली बार बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं। मुझे लगा कि वो मजाक कर में ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल अभी मेरे पास शो का कोई ऑफर नहीं आया है, अगर भविष्य में आता है तो मैं जरूर इस पर गौर करूंगी। रीना द्विवेदी ने बताया कि उन्हें भोजपुरी फिल्मों के ऑफर मिल चुके हैं, लेकिन परिवार और अपने बेटे की वजह से उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किए। वे कहती हैं कि अब अगर ऑफर मिलते हैं तो वे जरूर इस बारे में सोचेंगी। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में रीना द्विवेदी साड़ी में बेहद फिट नजर आ रही हैं। इस बारे में वे कहती हैं कि उन्हें हमेशा से फिट रहने का शौक है। वे खुद अपने कपड़ों का चयन करती हैं ताकि वो सुंदर दिख सके। दफ्तर में भी वो इसी लुक में जाती है। वो कहती हैं कि अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना कोई खराब बात नहीं है। अचानक लाइमलाइट में आने से रीना खुद भी काफी हैरान है। बताते चले कि वो लखनऊ में रहती है और पीडब्ल्यूडी में जूनियर असिस्टेंट पद पर कार्यरत हैं। साल 2004 में उनकी शादी पीडब्ल्यूडी में तैनात संजय द्विवेदी से हुई थी। 2013 में उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद पति की जगह पर उन्हें नौकरी दी गई। उनका एक 13 साल का बेटा है जो 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। बहरहाल रीना द्विवेदी की बातों से साफ हो रहा है कि आने वाले समय में अगर उन्हें फिल्मों या फिर रियलिटी शो का ऑफर मिलता है तो वो जरूर छोटे और बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई पीली साड़ी वाली पोलिंग अफसर रीना द्विवेदी की कुछ तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.